Energy Live, a platform to sharing your thoughts. BNI यानी Biz Network International एक ऐसी संस्था है जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इस तरह से एक नेटवर्क का जन्म होता है और आगे बढ़ता है। इसी तरह से BNI के माध्यम से यहाँ राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम दिया गया है बिज एक्सपो 2020। इसमें करीब 125 से ज़्यादा स्टॉल्स लगी हैं जहां पर कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट और अपनी सेवाएं यहां डिस्प्ले की हैं और इसके माध्यम से BNI के मेंबर एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाने में सहयोग करते हैं और ये एक्सपो एक नेटवर्किंग का भी काम करती है। बिज एक्सपो हमने 1.0 किया तब हमारे करीब 70 स्टॉल्स हम लोगों ने लगाई थी और उसका रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव रहा कि सारे मेंबर्स ने कहा कि नहीं ये एग्जीबिशन होनी चाहिए। तो हमने इसको एक साल का ग्रैंड इवेंट बना लिया है और इस साल देखते हुए कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन और मंदी है, 125 स्टॉल्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट है और हमारी जो स्ट्रेंथ मेंबर स्ट्रेंथ पिछली बार 350 थी, इस बार हमारे 600 मेंबर्स हैं। तो जो और जो बिज़नेस हम लोगों ने किया है लास्ट एक साल के अंदर वो 600 करोड़ का बिज़नेस सिर्फ जयपुर में किया है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज एक्सपो की कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है और कितना बड़ा लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो सारे मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं जो एक दूसरे को रेफरल देके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और वैसे तो ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और जयपुर में अब ये कुछ काफ़ी यंग गन्स इस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक छत के नीचे सारी चीज़ों को डालने का जो इनका कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। और हम जैसे प्रोफेशनल्स हमें 25 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के लिए भी एक ही छत के नीचे इन्होंने सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी है, तो हमारे लिए भी अब काम करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा इजी हो जाएगा और BNI के तत्वाधान में कर रहा है तो डेफिनेटली इनकी क्रेडिबिलिटी भी रहेगी। तो मैं वापस अक्षय जी को, करण जी को और जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है बहुत कंग्रेचुलेट करूँगा कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हर साल आई थिंक अब आपको करना चाहिए और हो सकता है अगली बार से हमारा जो एसोसिएशन है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स हम भी इनसे कोई कोलैबोरेट करें, शायद ये ट्रिपल आईडी से तो जुड़े हैं ये, तो हम भी जोड़ेंगे क्योंकि हम इनके खूब सारे लोग हमें ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा इनके ED अक्षय गोयल जी का जिन्होंने 2 साल में एक नया मुकाम खड़ा कर दिया, ऐसा प्लेटफार्म खड़ा किया है जहां आपस में यंग एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे को रिकमेंड करके एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड इन्होंने जैसा मार्केट, और मैं सुन रहा था अभी कि मात्र दो साल में 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिजनेस इन्होंने कर दिया इस रिसेशन पीरियड में जहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, ऐसे समय में इन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया। मैं तो आपके चैनल लाइव के मार्फत यही ईश्वर से कामना करूँगा कि ये दिन रात चौगुना बढ़ के और पूरे वर्ल्ड में अपना स्थान बनाए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छा कीर्तिमान बनाया, 2017 में शुरू हुआ, 2020 है ये सेकंड एग्जीबिशन इनकी मैंने देखी है। मुझे लगता है इनका भविष्य और हिंदुस्तान का भविष्य इन नवयुवकों के माध्यम से, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को बढ़ावा देगा जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा इम्पोर्ट की कितनी वस्तुएं जो ये चीज़ बनाते हैं, मेरे ख्याल से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, राजस्थान में हिंदुस्तान में व्यापार बढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया है। आइए जानते हैं BNI के सदस्य जिन्होंने इस एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है क्या कहना है उनका इस एक्सपो के बारे में। अपॉर्चुनिटी BNI देती है हम लोगों को एक दूसरे के यहाँ जाके बिजनेस में कोलैबोरेशन ढूंढने के, तो आई एम हेयर टू फाइंड कोलैबोरेशन। हम एक ट्रेनिंग कंपनी हैं तो हम यहाँ पे अब ट्रेनिंग करेंगे तो उसके लिए हम कोलैबोरेशन ढूंढने आए हैं और अपने जो बिजनेस ओनर्स हैं उनसे मिलके, सो आई एम एग्जीबिटिंग एज अ एग्जीबिटर और अभी मेरे ख्याल से आधा दिन ही हुआ है और मैं 200 से ऊपर लोगों से मिल चुका हूँ जो बिजनेस ओनर हैं और जो मेरा टारगेट है। हम लोग अल्ट्रा वाइब्रेंट सोलर के नाम से सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, इन सब में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाते हैं और जो इन्वेस्ट करता है उसका 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। तो बिज एक्सपो में हमने लास्ट ईयर भी यहाँ एग्जिबिट किया था एंड एज अ मेंबर हमने
लगभग 3-4 हज़ार किलोवाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एज अ बिज एक्सपो में एग्जिबिट करके हमें ऑर्डर्स मिले हैं। लास्ट ईयर भी किया है, इस साल भी कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि पिछले से बेटर ही रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है बिज़नेस B2B कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, मॉल हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं, तो उनका इंटरेक्शंस डायरेक्ट इंटरेक्शंस रहता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि BNI के थ्रू जो भी बिज़नेस मिल रहे हैं हमें, उसमें हमें 0 आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, क्योंकि ये किसी न किसी रेफरल के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ क्लोज कनेक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग रेफरल है, क्वालिटी एश्योर रहती है, टाइमली कमिटमेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और जो है टाइम पे पेमेंट भी मिलता है। BNI से मैं लगभग 2 साल हो चुके हैं, मई में 2 साल हो जाएंगे जुड़ा हुआ हूँ। पिछली बार भी जो BNI बीज एक्सपो हुआ था उसमें मैंने स्टॉल लगाई थी और इस बार भी मैंने उसको कंटिन्यू किया है। इस एक्सपो से बहुत फ़ायदा होता है, सारे के सारे मतलब जो अपडेटेड न्यू इनोवेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पर है। जनरली ये डोमेस्टिक एग्जीबिशन ना होकर बिजनेस टू बिजनेस का बेस्ट प्लेटफॉर्म है और 2 साल में ही इसने अपना जो स्थान व्यापार जगत के सभी साथियों के बीच में बनाया हुआ है अतुलनीय है। मेरा नाम श्री प्रकाश रावत है और यहाँ पर मैंने मेरे क्लीनिंग एंड हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल बैग्स या FSC सर्टिफाइड पेपर प्रोडक्ट्स, वॉशरूम ऑटोमेशन से रिलेटेड जो सारे प्रोडक्ट्स डिस्पेंसर्स होते हैं, किम्बर्ली क्लार्क जो वर्ल्ड की दुनिया की नंबर वन कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स में। बाजार में मंदी के बावजूद इस बीज एक्सपो को जिस तरह से प्रोत्साहन मिला है, इसका श्रेय जाता है BNI के मजबूत और विशाल नेटवर्क को। कैमरामैन एहसान अली के साथ BK शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।